न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह की होती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। पहले आइए जानते हैं कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें एक हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट होकर दो स्मॉल न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं जिनका मास इक्वल होता है, उसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कहते हैं। इसमें हेवी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। एटम बॉम्ब जो होता है वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन पर बेस्ड होता है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया था हैटिन और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने। अब जानते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, वो न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें दो स्मॉल न्यूक्लियाई कंबाइंड होकर एक हेवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, उसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए 10^8 केल्विन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे ही बेस्ड होती है। हाइड्रोजन बॉम्ब को पहली बार बनाया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने 1952 में। हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।